हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वॉशरूम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट से जीमेल आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हैं या जीमेल आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सिंपली अपना फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। और फेसबुक ओपन करने के बाद जिस अकाउंट में आपको अपने जीमेल आईडी को ऐड करना है या जीमेल आईडी को आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उस आईडी से आपको अपने फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली मैंने यहां से अपना फेसबुक ओपन कर लिया है और ये जो हमारा अकाउंट है, इससे हम अपने जीमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर हमको 3 डॉट का जो ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे तो नीचे के साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर से यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिल जाता है सेटिंग का, तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ सबसे ऊपर के साइड में ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेम और कंटेंट इन्फो का, तो यहाँ पर जो कंटेंट इन्फो है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपका जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके फेसबुक में जो मोबाइल नंबर ऐड है और जो जीमेल आईडी ऐड है, यहाँ पे शो करेगा। अब दोस्तों, यहाँ से हमको जीमेल आईडी को अगर जो डिलीट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है फेसबुक का, इसमें 3 जीमेल आईडी ऐड है। तो यहाँ से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप में अगर जो मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो मोबाइल नंबर को ऐड करके रखना पड़ेगा, तब आप जीमेल आईडी को डिलीट कर सकते हैं। या आप अपने मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक जीमेल आईडी को ऐड करके रखना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको या तो ये मोबाइल नंबर ऐड करके रखना पड़ेगा या जीमेल आईडी। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अपने मोबाइल नंबर को, जो हमारा मोबाइल नंबर हो ऐड है, तो यहाँ से मैं अपने जीमेल आईडी को डिलीट करूँगा। तो सिंपली जीमेल आईडी को डिलीट करने के लिए यहाँ पर जीमेल आईडी पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे के साइड में आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रिमूव पे मैं क्लिक करूँगा। रिमूव पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे आप फेसबुक पासवर्ड डालना पड़ेगा। फेसबुक पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे रिमूव ईमेल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फिर से कन्फर्म पासवर्ड करना है और फिर यहाँ पर कंटिन्यूज पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यूज पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपका जो जीमेल आईडी है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा।